एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी खास चर्चा सदन और सस्पेंस में। जिस तरह हम चर्चा कर रहे थे, राजेंद्र कानगुनगो जी ने कहा कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्या कुछ होगा तस्वीर जल्दी साफ हो जाएगी। सुमित ओरछा जी क्या कहेंगे, क्या उम्मीद लगती है आपको? फ्लोर टेस्ट की मांग वहां पर अभी उठाई जाएगी, क्योंकि शुरू से ही आप फ्लोर टेस्ट की बात करते रहे और राज्यपाल ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें कांग्रेस को विश्वास हासिल करने की बात कही थी, पर कांग्रेस पूरी तरह इससे बच रही है क्योंकि उनको उनको ये उम्मीद है कि वो जो 16 विधायक उनके जिनके सहारे वो बहुमत सिद्ध करने वाले हैं वो अभी फिलहाल नहीं पहुंच पाए। जब वो पहुंचेंगे उनका ये कहना है वो बंधक हैं, जब वो छूटेंगे जब पहुंचेंगे तभी फ्लोर टेस्ट की बात वो करेंगे। पर आज जो होने वाला है क्या लगता है, जैसा कि राजेंद्र कानगुनगो जी ने कहा कि हंगामेदार हो सकता है आज का सदन का प्रभु दारुण दुख दीनी ताकि मति पहले ही हरलीनी। कांग्रेस खुद अपने फंसाए गए जाल में फंस चुकी है। जहां पर 16 विधायक हैं वहीं पर बाकी वो 6 विधायक भी हैं। अगर वो उन्हें बंधक मान रही है तो 6 विधायकों के इस्तीफे जो मंत्री थे उनके क्यों स्वीकार किए, और अगर उन्हें बंधक नहीं मान रही है तो फिर 16 के क्यों नहीं कर रही है? दोनों प्रश्न जिसमें कांग्रेस खुद फंसी हुई है। ये जो कांग्रेस के और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की भाषा आपने इससे पहले सुनी ब्रेक के पहले, ये वही है कि ये जो तुम्हारे हाथ में पत्थर छुरी और बैंत है ये सब तुम्हारी हार के स्वीकार के संकेत है। कांग्रेस अपना सदन में और जनता में दोनों जगह विश्वास खो चुकी है, केवल उसको वो ढाकना चाहती है और उसी के ये जो अनैतिक और असंवैधानिक प्रयास हैं उसी में उलझती जा रही है। लेकिन सब कुछ थी माना, माननीय कमलनाथ जी कह रहे हैं कि सदन में विधानसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन उनसे परी भी संविधान के संरक्षक के रूप में राज्यपाल महोदय बैठे हैं और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि उन्हें सरकार को जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 16 विधायक बार बार ये कह रहे हैं कि हम सिंधिया जी के साथ हैं और सिंधिया जी भाजपा में हैं, तो उसे प्रश्न पूछा जब राष्ट्रीय मीडिया ने उनसे कि आपने अगर आप भाजपा में जाएंगे तो उन्होंने कहा सिंधिया जी भाजपा में गए, हम भाजपा में चले गए, हम भाजपा में, और दल बदल कानून से बचने के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने पद का मोह नहीं लिया है, उन्होंने किसी प्रकार की वोट नहीं लिया है कि उन्हें कोई विधानसभा की सदस्यता का मोह हो, उन्होंने अपने आप को भाजपा का सदस्य ऑन कैमरा घोषित कर दिया है, किसी भी प्रकार का मीडिया उन तक पहुंच पा रहा है। अगर वो किसी प्रकार के बंधन में होते तो मीडिया से वो कह देते कि मैं बंधन में हूं, उसी समय देश में हंगामा मच जाता कि कोई बंदूक के दम पर। ये बचकानी हरकतें बचकानी बातें ये रोड पर तो शोभा देती हैं, पर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जब लोग इस तरह की बात बोलते हैं तो निश्चित रूप से ही जनता के लिए भी हास्यास्पद होता है। वो सब जानते हैं कि उन्होंने सिंधिया जी के प्रति अपनी की आस्था थी और उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया है, सदन की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है, अब वो सदन में कांग्रेस के बैनर पर नहीं रहना चाहते हैं, तो फिर कहां कोई संवैधानिक संकट जैसी स्थितियां बसती हैं। सारा खेल साफ है, विश्वास सदन में है नहीं है। कांग्रेस तुरंत, और मैं फिर कह रहा हूं जब 2 विधायक केवल भाजपा के मौजूद थे उस समय कांग्रेस ने विश्वास मत पर वोटिंग कराई है, उस समय सदन में वोटिंग हुई है और सदन कांग्रेस ने अपने आप को घोषित किया कि मेरे पास 122 विधायकों का समर्थन है, हमने 2 विधायकों का समर्थन और ले लिया है। ये खुद की पीठ थपथपाने वाली कांग्रेस आज अपने अब 16 गायब हो गए, एक तरफ भाजपा के 107 5 गायब थे, उस समय तो आपको ये संवैधानिक मूल्य याद नहीं आए, और आज जब सिर्फ 16 विधायक आपके इस्तीफा दे चुके हैं तो आप उनको जबरदस्ती जब वो सदन के सदस्य नहीं मान रहे हैं। एक सवाल पूछ लूं, एक सवाल पूछ मान सकते हैं, एक सवाल और पूछ लूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की सदस्यता ली और वो राजधानी भोपाल पहुंचे, उन्होंने राज्यसभा का नामांकन भी दाखिल किया, पर वो समर्थक जो कट्टर समर्थक है सिंधिया जी के वो नहीं आए, क्यों? देखिए वो कह रहे हैं कि जिस तरह से जीतू पटवारी वहां पर पहुंचे हैं, जिस तरह से पुलिस से उलझ करके जबरदस्ती रिसोर्ट में बात की बात है। उनकी सुरक्षा नहीं, उनकी सुरक्षा पर खतरा है, वो जब तक कि एक ऐसी सरकार के राज्य में बैठी है जो पुलिस विधायकों के घर पर पुलिस भेज रही है, जीतू पटवारी जब घर मकान तोड़ रही है, पटवारी जब पहुंचते हैं वो बात की बात है, सदस्यता लेने की बात की बात है। सदन के विधायकों के घरों पर क्या पुलिस नहीं पहुंची है? आपके पास क्या 10 जगह से खबरें नहीं आई हैं? पर परिवारों को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, विधायकों के ऊपर तो क्या चाहते हैं? ज्योतिरादित्य जी के ऊपर हमला नहीं हुआ है, इसी कारण से वो सदन में ऐसी सरकार जो पूरे तंत्र का दुरुपयोग कर रही है वो नहीं आना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? और वो आएंगे, क्या चाहते हैं? अगर गृह मंत्री जी के पास नहीं है तो निश्चित रूप से आज का दिन होने दीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। सुनिए सुमित जी, क्या चाहते हैं कि वो अपने 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 जो विधायक उनके नहीं मिल रहे हैं उनकी जाँच भी नहीं करें, उनकी खोजबीन भी नहीं करें, घर भी नहीं जाएं? राम पांडे जी क्या कहेंगे, 16 विधायकों के इस्तीफे आप क्यों नहीं मंजूर कर रहे, क्यों 6 के ही कर लिए आपने, 6 उनके क्यों कर लिए, और आप 16 विधायकों ने भी सबने इकट्ठा भेजा था, 6 के कर लिए आपने और 16 जो है उनको छोड़ दिया है, मतलब आप इंतजार में है कि वो 16 विधायक आज भी आपके साथ आके खड़े होंगे और बहुमत में वो आपका साथ देंगे?
जिन मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार किया है उन मंत्रियों को 2 दिन बुलाया गया और विधानसभा अध्यक्ष ने 2 दिन उनका इंतजार किया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि जो मंत्री होते हैं वो सरकार का डायरेक्ट पार्ट होते हैं, सरकार की उनके ऊपर जिम्मेदारियां रहती हैं, उनको काम काज करने होते हैं और 10 दिन से वो बाहर थे, भारतीय जनता पार्टी की कस्टडी में थे, तो विधानसभा अध्यक्ष ने उनको बुलाया, जब वो मंत्री नहीं आए, 2 दिन उनका इंतजार किया और वो सरकार के डायरेक्ट भाग होते हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, इसलिए उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया था। और जहां तक ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, प्रभात झा जी ने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरी हत्या करवा सकते हैं, प्रभात झा जी ने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भूमाफिया हैं, उन्होंने 622 बीघा जमीन शिवपुरी में हत्याई है और प्रभात झा बोलते हैं सिंधिया मेरी हत्या करवा सकते हैं, तो बाहुबली कौन है? और सिंधिया जी पूरे खुलेआम घूम रहे हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे भोपाल हो, जब सिंधिया जी की जान को खतरा नहीं है तो उन 16 विधायकों की जान को खतरा कैसे हो सकता है? फिर वो जो 16 विधायक हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, CRPF है, कमांडो है, आप किसी में तो लाइए, और यहाँ भी धारा 144 लगी है, मतलब 5 लोगों से ज्यादा एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, और हम तो अमित शाह जी को लेटर लिख चुके हैं कि आप उनको अपनी कस्टडी में ले आइए और स्वस्थ परंपरा तो तब होगी, पूरा सदन चलने दिया जाए और वो 22 विधायक सदन में रहें, 6 जो बर्खास्त हो गए वो दशरथ दीघा में बैठे और पूरा प्रदेश देखे कि आखिर पूरा राज क्या था, और उन 16 विधायकों को सदन में बोलने दिया जाए, आखिर वो कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ना चाहते हैं, आखिर वो कांग्रेस पार्टी से क्यों जाना चाहते हैं, ये प्रदेश की जनता को पता चले और आखिरी दिन सब क्लियर होना चाहिए कि वो कांग्रेस के साथ है या भाजपा के साथ है, तो उनको सदन के अंदर प्रदेश की जनता को उन 16 विधायक उन 22 विधायकों को सुनने का मौका तो दो कि आखिर वो क्यों बगावत कर रहे हैं, वो पैसे के प्रलोभन में कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया में भी आ रहा है और सब जानते हैं कि 50 करोड़ से 100 करोड़ तक का उनको प्रलोभन भी दिया जा रहा है, तो क्या हमारी जनता उनको इसलिए भेजती है कि वो पैसे में बिक जाए? लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो इनके प्रलोभन में नहीं आएंगे, इसलिए हम उनसे मिलना चाहते हैं, जो कि हमने उनको टिकट दिया था, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको विधायक बनाया, तो ये हमारा अधिकार बनता है कि हम उनसे बात तो कर सकें कि यदि वो नाराज भी हैं तो वो हमसे क्यों नाराज हैं, एक हम उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें समझाना चाहते हैं, हमारे परिवार के सदस्य, तो ये मौका हमें क्यों नहीं देना जा रहा है? इसलिए ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र को कैप्चर किया जा रहा है। क्यों दिया कि वो नाराज हो जाए? ये केशुभाई पटेल जी, देखिए कर्नाटक बताएंगे हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग ही खरीदने का प्रलोभन देने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? पूरे देश में देखिए, जब से मोदी जी की सरकार बनी है, 6 साल के पहले ऐसे नाटक देश के अंदर नहीं चल रहे थे, जब से मोदी जी और अमित शाह जी आए तब से ये नाटक चल रहे हैं, पूरे के पूरे विधायकों को भर के लाए थे खजुराहो, इन्हें थोड़ा सा याद दिला दीजिए, आपका दायित्व है। अरे आपको तो 1000 साल पुरानी बात भी याद रहती है, वर्तमान में बात कर लिया करो, जो कर्नाटक का गोवा का एपिसोड पूरे देश को याद है, ठीक है, आप तो 5000 मुगलों की बात कर लेते हो, 1,00,000 साल पुरानी बात कर लेते हो, 70 साल पुरानी बात करते हो, थोड़ा वर्तमान की चीजें याद कर लो, 70 साल पहले की याद रहती है, आज की याद नहीं रहती है आपको। राम पांडे जी, तो मैं चाहता हूँ स्वस्थ परंपरा के अंतर्गत उन विधायकों को सदन में बोलने का मौका दिया जाए और वो पूरी चीज क्लियर करे, संसद थे या नहीं थे, वो जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। बहुत दिन तो वो कहीं भी नहीं रखे जा सकते, उनको आना तो पड़ेगा, जब देख लीजिएगा कि किसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बोल रही है उस हिसाब से वो मध्यप्रदेश अब कभी नहीं आएंगे, वो हमेशा मध्यप्रदेश के बाहर रहेंगे। एक मासूम सा प्रश्न पूछ लेता हूँ, विधायकों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की, और राज्य सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे विधायक कर्नाटक भेज दे, हमारे विधायक भाई सुरक्षा तो गए तो मध्य प्रदेश से होंगे, कोई कर्नाटक में भूम प्रकट थोड़ी ना हुए हैं, तो अगर राज्य सरकार ये मान रही है कि उनके 22 विधायक अगवा हो गए हैं तो फिर उन्हें क्या अधिकार है इस बात का? बाला बच्चन जी कह रहे हैं कि हम सुरक्षा दे पाएंगे, जो सरकार स्वयं मान रही है कि उनके 22 विधायक 6 दिन से अगवा है तो फिर वो सुरक्षा देने में असमर्थ है, ये मान लें तो कहां सुरक्षा दे, अगर वो पटवारी है, वैसे तो वो पटवारी है, उनसे मिलने नहीं दिया गया, कैसे सुरक्षा प्रोवाइड, जब वो बात ही नहीं कर पाएंगे है। अब और कांग्रेस के विधायक क्या अगवा करके जहां जो जयपुर से रह के आए हैं, क्या कांग्रेस अगवा करके ले गई थी? नहीं, वो भाई तो, उनके तो आपने भी अपने रखे थे, उन्होंने भी अपने सुरक्षित रखे, क्योंकि जहां 22 चले गए ऐसा नहीं है आप भी कहीं चले गए, उनके कहीं चले गए, सिंधिया जी ने जहां कहा होगा वो वहां पहुंच गए, सिंधिया जी ने कहा होगा तो उनके सिंधिया जी के कारण वो उनको राजनीति में, आपने कहा कि शायद मंत्री बनाया गया था तो आप ऐसा मैं कुछ मान लीजिए, लेकिन अगवा और गायब होने के ऐसे झूठे आरोप क्यों लगा रही है सरकार? प्रश्न पूछे ना आप इनसे।
चलिए वापस आपकी सवाल पर जवाब ले लूंगी, पर अभी राजेंद्र कानगुलू जी के पास आती हूँ। राम पांडे जी ने दो बातें कही थी, एक जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सुरक्षा मिल सकती है, वो आ सकते हैं राजधानी भोपाल, तो फिर उनके जो समर्थक हैं उनको सुरक्षा क्यों नहीं, क्यों असुरक्षित है? जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं और सभा करते हैं, सुरक्षित वापस निकल जाते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे? एक बात उन्होंने ये कही, और दूसरी कि अगर वो असुरक्षित है, लगता है कि कहीं उनकी उनकी किसी तरह का कोई खतरा है, तो फिर बीजेपी क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? वो अपने अपने तरीके से खुद अपने आप को सुरक्षित कर ले, बीजेपी वहाँ बीजेपी की मौजूदगी क्यों दिखाई देती है हर जगह जहाँ पर वो विधायक है? यही प्रश्न जो है खटकता है कि विधायक कांग्रेस के हैं और वहाँ पर जो नेता थे उपस्थित वो भाजपा के नेता थे। अब इसमें क्या राज हो सकता है ये किसी को भी समझ में आने वाली बात नहीं है, या ये कहा जाए कि ये सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसमें दूसरी बात आपकी सुरक्षा वाली जो बात है, तो सुरक्षा तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो किस प्रकार की सुरक्षा चाह रहे हैं? वो सुरक्षा देने के लिए कांग्रेस सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को, उनको अनुशंसा करने में क्या दिक्कत हो सकती है, ये समझ से परे है। यदि वो जिस प्रकार की सुरक्षा में आना नहीं, चाहते हैं, सुमित ओरछा जी कह रहे हैं कि उनको तो, सुरक्षा क्यों नहीं दे देते, और वहां पर अगर मंत्री जाके मिलना चाहते हैं तो मिलने भी नहीं दिया जाता, तो कैसे सुरक्षा मिलेगी? ये हमने देखा है मीडिया में कि जो मंत्री लोग गए थे या एक विधायक के पिता गए थे, उनको मिलने नहीं दिया था। तो अब ये कौन सी सुरक्षा की दृष्टि हो सकती है कि एक पिता को अपने पुत्र से नहीं मिलने के दिया? इसमें तो पिता तो उसके लिए कोई खतरा हो नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे पेंच एक दूसरे से उलझे हुए नजर आ रहे हैं, और इनका सारी चीजों का फैसला अभी से लगभग एक घंटे के अंदर मुख्यमंत्री भी निकल चुके हैं विधानसभा के लिए, पहुंचने ही वाले हैं, कुछ ही देर में वो भी पहुंच जाएंगे, और 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण भी होना। जी, तो लगभग एक घंटे में ये सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और इससे ज्यादा अभी अनुमान लगाना और उन 16 विधायकों के लिए कोई माने नहीं रखता है, क्योंकि वो तो अभी फिलहाल तो आने वाले किसी भी प्रकार से नहीं, ऐसा निश्चित समझ में आ रहा है। बिल्कुल, सुमित ओरछा जी क्या कहेंगे? राजेंद्र जी ने दबी जबान में कहा है कि पूरा लेना देना बीजेपी का है, क्योंकि वहां पर अगर उन विधायकों के वीडियो सुन लीजिए, सुनिए, अच्छा एक सवाल वो कह रहे हैं, बीजेपी नहीं कहा उन्होंने, एक बार आपने भी सुना ना बीजेपी, उन्होंने अगर बीजेपी, हमने भी सुना, हमने बहुत अच्छे से सुना है, उन्होंने कहा जहाँ महाराज रहेंगे जहाँ उस समय महाराज उनके, सुनिए आपको वीडियो सुना, नहीं है तो साफ साफ इमरती देवी पहला वाला वीडियो मैंने पूरा सुना, जाएंगे पहला वाला आप चलवा दीजिए, अगर उन्होंने बीजेपी ना कहा होगा तो फिर मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा। चलिए, यहाँ दो मेहमान और बैठे, उनसे पूछ लेते हैं, उन्होंने बीजेपी शब्द का नाम लिया क्या है मैडम? क्या कहेंगे राजेंद्र जी, बीजेपी का नाम चलवा लीजिए ना वीडियो, इमरती देवी का था। चलिए, वो समय लगेगा, मैं पीसीआर को बोलूंगी, बहुत सारे वीडियो है, बहुत लंबा वीडियो है, बहुत समय लग जाएगा, हमारी चर्चा रुक जाएगी। तो इमरती देवी का मैंने सुना था, उन्होंने महाराज कहेंगे तो हम कुएं में कूद जाएंगे, कुएं में कूद जाएंगे, वो कहा था एयरपोर्ट पर, जो एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है, जहां महाराज बीजेपी कहा है, बीजेपी शब्द कहा है मैडम, उन्होंने कहा है, हाँ, नहीं, वीडियो की बात कर रहे थे आप बयान की बात नहीं, वो वीडियो जो जारी जो हुआ वीडियो उनकी बात कर, वीडियो की बात नहीं करो, मैं उसी वीडियो की बात कर रही थी, एक दूसरे वीडियो, मैं उसी वीडियो की बात कर रही, जो पहला वीडियो आया था, जो पहला वीडियो आया था, तब तो उस टाइम महाराज उनके बीजेपी में नहीं, स्वतंत्र मीडिया से बातचीत करते हुए वो स्वीकार कर रहे हैं कि अब हम महाराज के साथ बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी नहीं, फिर आप बीजेपी की बात कर, वो आप दो वीडियो को अलग अलग, मैं दोनों वीडियो की बात कर, अभी जो नया वीडियो आया मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है, नेशनल मीडिया की बात कीजिए ना, मीडिया की बात कीजिए, वीडियो की बात मत कीजिए, तो मीडिया की बात, मीडिया ने जो वीडियो जारी किया मीडिया से भी ऑडियो जारी नहीं हुआ, उसमें सुनिए, मीडिया 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 एबीपी का उसी टाइम लाइव वो वीडियो बनाए गए हैं, शंका कर सकता है, लेकिन जो मीडिया के कैमरे से रिकॉर्ड वीडियो है, उस पर मुझे नहीं लगता कि शंका करनी चाहिए। दो या तीन, उसमें दो या तीन जो मंत्री थे उस समय, मंत्री थे, उन्होंने ही बोला था, वो जब आ रहे थे एयरपोर्ट पे ही उन्होंने बोला था।
मान लीजिए वो भाजपा तो में फिर उन्हीं तीन को मान लिया जाए, वो बीजेपी में जाना चाहते हैं, और एक बात उन्हीं तीन को मान लिया जाए बीजेपी में जाना चाहते हैं, उसमें से एक एक ने ये भी कहा था गिर तो जाने तो सरकार में नहीं, एक मैंने मैंने पूरा सुना था, मैं लाइव देख रही थी। तो क्या है ये जो संख्या गिर रहे हैं उससे भी कहीं आगे संख्या होगी, अभी चीजें सामने स्पष्ट होने दीजिए। चलिए चलिए, अब संख्या की मुझे लगता है जल्दबाजी हो जाए, जाना विधायक इनके साथ छोड़ के जाएंगे। चलिए डॉक्टर राम पांडे क्या कहेंगे, पूरी तरह आश्वस्त है सुमित ओझा जी, उनका कहना है कि 40 विधायक अभी और आ जाएंगे, उनका ही मानना है। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी की बात कही उन्होंने, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सिंधिया जी के साथ जाएंगे। और ये वीडियो जो मैं बात कर रही थी वो उस समय की थी जब शुरुआत हुई थी, एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें इस्तीफे के बाद उन्होंने उस वीडियो को जारी किया, तो कहा था कि हम महाराज के साथ है। उस समय तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी, उसके बाद फिर अभी नया जो वीडियो आया है कल आया, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारे इस्तीफे मंजूर कर लिए जाए, हम 2-3 बार भेज चुके हैं, लेकिन उसमें भी उन्होंने किसी तरह का कोई जिक्र ये नहीं कहा कि हम बीजेपी, हाँ सिंधिया क्योंकि अब वो शामिल हो चुके हैं बीजेपी में, तो जाहिर है कि उनका मकसद वही होगा कि बीजेपी में वो गए हैं तो हम भी बीजेपी में जाएंगे। क्या कहेंगे आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो बीजेपी में जा क्यों रहे हैं? वो 40 साल से कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा रहे थे, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे थे, शिवराज सिंह को किसानों का हत्यारा मानते हैं, बीजेपी पार्टी को किसानों का हत्यारा मानते हैं, किसानों के हत्यारी वाली पार्टी में क्यों जाएंगे वो? ये सिंधिया जी ने बोला है कि शिवराज सिंह किसानों के हत्यारे हैं, ये 22 विधायकों ने बोला है शिवराज सिंह किसानों के हत्यारे हैं, भारतीय जनता पार्टी किसानों की हत्यारी है। जो विधायक 40 साल से 20 साल से 30 साल से कांग्रेस पार्टी में थे वो आखिर बीजेपी में जा क्यों रहे हैं, क्या कारण है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या कारण है? जिस सिंधिया को ये गद्दार बोलते थे, जिस सिंधिया को ये गद्दार बोलते थे, शिवराज सिंह और चाहे जयवान सिंह पवैया हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, ये बोलते थे ये गद्दार हैं, तो उस गद्दार को आपने अपनी पार्टी में क्यों बुलाया? हमने उनको कभी गद्दार नहीं कहा है, ना अभी भी कहेंगे, लेकिन जो उनको गद्दार मानते हैं ये मतलब आपकी पूरी पार्टी गद्दार हुई, गद्दार को साथ में क्यों लेके आ रहे हैं? इनका सवाल, इससे ये सवाल पूछना चाहिए। आखिर वो लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी ने देश डुबा दिया, वो कहते थे अर्थव्यवस्था डुबा दी, 15-15 लाख लेकर नहीं आए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया, डेली वो 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी को कोसते थे, गाली देते थे। ऐसा क्या हुआ कि 4 घंटे में उन्होंने डिसीजन ले लिया कि भारतीय जनता पार्टी में जाना चाह रहे हैं? तो ये या तो डर है, या प्रलोभन है, या 100 करोड़ का ऑफर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनको वो जमीन नहीं मिल पा रही थी जो उन्हें चाहिए। 40 साल में जो जमीन नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी में, किसको जमीन मिलती है? वहां बालेंद्र शुक्ला गए, क्या हाल है, जीरो है। राकेश चौधरी गए, प्रेमचंद गुड्डू गए, परशुराम मुदगल गए, कई बार कांग्रेस पार्टी के नेता वहां जाकर खत्म हो चुके हैं। तो मेरा विधायकों को यही समझाना है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाओगे तो बालेंद्र शुक्ल, राकेश चौधरी और प्रेमचंद गुड्डू की तरह वहां जाकर आप खत्म हो जाओगे, इसलिए वहां जाने का आप सोचिए नहीं। एक नेता का नाम बता दिए जो कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में गया हो, जिंदा रहो, सिंधिया जी भी वहां जाकर खत्म हो जाएंगे, ये शिवराज सिंह नरेंद्र सिंह तोमर भी सिंधिया जी को वहां खत्म कर देंगे। राम पांडे जी, अगर ये पता है मंत्री है उनको कौन जानता है आज रीता भगोड़ा जोशी को? पूरा देश जानता था रीता भगोड़ा जोशी कांग्रेस सरकार में यूपी जैसे प्रदेश की अध्यक्ष है। चलिए राजन कांगुलकर जी, एक मिनट राजन कांगुलकर जी क्या कहेंगे? राम पांडे जी ने कहा कि सबको पता है कि बीजेपी में जाने के बाद उनका अस्तित्व नहीं बचा है, इस बावजूद इसके ज्योतिरादित्य सिंधिया जाते हैं बीजेपी में क्योंकि बहुत समय 17 साल। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सत्ता चाहिए, जब से वो आए हैं राजनीति में पहले दिन से वो सत्ता में है, वो पावर में है, वो पावर नहीं देखना चाहते हैं आपको, आपको पावर पहले दिन से जब से आए हैं वो सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, और वो बगैर पावर के नहीं जाते। केंद्रीय मंत्री राज्यसभा में जाने के लिए उन्होंने 22 विधायकों की बलि चढ़ा रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए वो 22 विधायकों का नुकसान कर रहे हैं और बलि बनाई सरकार को तोड़ने का और गिराने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार को जो सिंधिया अपने स्वार्थ की वजह से गिराने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के कारण बलि बनाई सरकार को, अच्छी सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। एक मिनट समय दीजिए राम पांडे जी, सुनिए सुमित जी, ये तो आप लोगों की सोच है, जनता ने हमें मैंडेट दिया 114 हमसे 107 जनता ने 7 सीटें आपसे ज्यादा दी थी।
थी, जनता ने हमें मैंडेट दिया था, सरकार बनाने का मौका हमें नहीं दिया था। आप खरीद कर बीजेपी में शामिल होने के बाद अस्तित्व कई लोगों का नहीं बचा है, उनको कोई ऐसी जगह नहीं मिली है। बावजूद इसके ज्योतिरादित्य सिंधिया 17 साल सांसद रहे, इसके बाद वो जाना चाहते हैं और बीजेपी में शामिल होते हैं, तो उसके पीछे क्या कुछ वजह लगती है? क्या लगता है कि किसी तरह का उनको दबाव रहा होगा? इतने दिग्गज नेता, इतने कद्दावर नेता कांग्रेस के रहे, वो बावजूद इसके वो उनको पता है, जैसा कि डॉक्टर राम पांडे ने कहा, तो सभी को पता होगा कि बीजेपी में अगर वो जगह नहीं मिलती फिर भी इसके बाद जाते हैं। दूसरा सवाल इनका पहले जो था, पहले जो बात इन्होंने कही थी प्रभात झा को लेकर भी, उन्होंने कहा कि जिस तरह दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें, जिस तरह पानी पी पी कर वो एक दूसरे को कोसते थे, इसके बाद सब एक हो गए, गले मिल लिए और अब बीजेपी के वो हो गए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक भी जो इतने साल से कांग्रेस के थे वो भी बीजेपी में जाने की बात, जैसा कि सुमित ओरछा जी के अगर माने कि वो बीजेपी में शामिल होना चाहते, क्यों ऐसी स्थिति क्यों बन रही, क्यों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना चाह रहे हैं? यही प्रश्न यहाँ पर उद्भूत होता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्तित्व को भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाना क्यों पड़ा, क्यों उनकी इतनी उपेक्षा कांग्रेस में हुई? जब चुनाव प्रचार हुआ था तो उनका चेहरा चुनाव प्रचार में आगे करके रखा गया था और उनको प्रमुख बनाया गया था और हर जगह उन्होंने सभाएं ली और पूरे तन मन से उन्होंने प्रचार किया और उसी का नतीजा है। मैं ये नहीं कहता कि वो अकेले उसमें रहे, पर उस समय जो एकता थी, जो सब कुछ मिलजुल करके इन्होंने वो सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ाया और सरकार इनकी बनी, उसके पश्चात जो ज्योतिरादित्य जी ने महसूस किया, कल हमने बीबीसी में मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी एक इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि वो लोकसभा चुनाव हार गए चुनाव, फिर कैसे उनको मंत्री बना दिया जाए चीजें, और राज्यसभा की सीट पर तो अभी कोई डिसीजन ही नहीं हुआ था, फिर उपेक्षित क्यों महसूस कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जबकि 17 साल वो सदन में थे, माफ कीजिएगा। कुछ चीजें पर्दे के पीछे रहती हैं जो निश्चित रूप से हम लोगों को पता नहीं रहती है। ऐसा मेरा मानना है कि ये हो सकता है कि उनको राज्यसभा में भी जो दो सीटें थी, दो सीटों में से एक, विधानसभा में क्या कुछ हलचल है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाते, ये विधानसभा की तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंच चुके हैं, मास्क कई लोगों ने लगा रखे, कई लोग, हालांकि कोरोना को लेकर सभी का डर बना हुआ है, पूरे देश में कोरोना की दहशत फैली हुई, जिसके लिए विधानसभा में भी कहा गया था कि मास्क और सैनिटाइजर का यूज किया जाए, पर यहां पर मास्क मुझे लगता है लाखन सिंह मुख्यमंत्री कमलनाथ के बाला बच्चन लाखन सिंह है, उनके चेहरे पर मास्क लगा है, बाकी इधर बीजेपी विपक्ष की बात करें तो वहां भी किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई दे रहा। जयवर्धन सिंह, कुणाल चौधरी, जीतू पटवारी, ये चेहरे पे मास्क नहीं होने का भी एक कारण ये हो सकता। चलिए वापस अपनी चर्चा पर आते हैं, चर्चा को विराम देंगे, पर मास्क भी एक कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है कि मास्क क्यों लगाना जरूरी है, जबकि अपनी सुरक्षा किस तरह से। ये बात हुई थी कि कोरोना के चलते विधानसभा सत्र जो है आगे बढ़ाया जाए, तो कोरोना का पर मास्क तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्या लगता है हमको मास्क नहीं पहनना है, कोरोना से कोई खतरा नहीं है, ये भी एक कारण उसका। तो फिर मतलब ये बीजेपी की तरफ से हो सकता है, कांग्रेस के कुछ मंत्री नेताओं ने, विधायकों ने लगाए हुए हैं, लेकिन सब लोगों ने, ये मांग हो सकती है कि कोरोना का डर हो सकता है इसलिए विधानसभा को फिलहाल स्थगित किया जा सके। इसमें कोई चर्चा बात में कोई, हालांकि मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा कि कोरोना से कोई लेना देना नहीं है और राज्यपाल ने भी इस बात को कह दिया कोरोना कोई बहाना नहीं बनाया जाएगा। जब लोकसभा चल सकती है, ये चल सकता है, सारे काम हो सकते हैं, पर एक दहशत तो बनी है कोरोना को लेकर। चलिए फिलहाल आप तीनों का हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देश और दुनिया की ताजा खबरें आप देखते रहें और पल पल की जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे कि सत्र क्या सत्र में रहेगा, सदन में किस तरह की कार्यवाही होगी, क्या कुछ देखने को मिलेगा, तस्वीर साफ हो जाएगी, जानकारी हम देते रहेंगे। पर अपनी चर्चा को यहीं पर दूंगी विराम। देश और दुनिया की ताजा खबरें आप देखते रहें डीएनएल पर। मुझे दीजिए इजाजत।